दो दोस्त एक पुराने खंडर के अंदर बैठकर गप्पे मार रहे थे। यार जमील, ये खंडर 400 साल पुराना लगता है। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे 400 साल पहले तूने ही इसे बनवाया था। अमे यार, मैं तो एक अंदाजा लगा रहा हूँ। वे बातें कर रहे थे, इतने में अंदर के टूटे हुए कमरे से आवाज आई। हा 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 हा, आज फिर से दो शिकार मिल गए, अब मजा आएगा। यार किसकी आवाज आ रही है? चल भाग यहाँ से। भाग जाओगे तो बच नहीं पाओगे, भागे तो मारे जाओगे। दोनों दोस्त वहाँ से भाग निकले। उन्हें रास्ते में रामू काका मिल गए। कहाँ भाग चले जा रहे हो? कौन सी आफत आ गई है? अरे काका, बहुत बड़ी आफत है। उस पुराने खंडर में हम लोग बैठे बात कर रहे थे, अचानक एक भूत की आवाज आई और हम लोग डर के वहाँ से भाग गए। चलो मैं भी चलकर देखता हूँ कौन सा भूत आ गया है। अरे काका, अब हम तो वहाँ जा नहीं सकते, मेरा कहाँ मानिए, आप भी मत जाइए। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, मैं जाकर देखता हूँ। चल यार, दूर से ही देखेंगे, फिर रामू काका भी तो हैं, खतरा नजर आया तो भाग चलेंगे। रामू काका खंडर की तरफ चले गए। बाहर से ही उन्हें कानों में कुछ आवाजें आने लगी। हा 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 हा, कौन आ रहा है अपनी मौत को गले लगाने के लिए? भाग जाओ वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। रामू काका दीवार के पीछे छुपकर सब सुन रहे थे। अचानक उन्होंने अंदर झांककर देखा तो एक सफेद पोश चेहरे को ढके हुए लंबा सा भूत दिखाई पड़ा। उस भूत को दूसरी तरफ से भी किसी के आने की आहट हो गई थी। अब इस तरफ से मरने के लिए कौन आ रहा है? दरवाजा तो उस तरफ है, दीवार फांद कर आ तो गए हो, अब तो सीधे ऊपर जाना है। रामू काका भी सोच में पड़ गए कि अंदर ये नया आदमी कौन आ गया। ऐसा लगता है पीछे से दीवार फांद कर आया होगा। इतने में सुधीर और जमील भी डरते डरते रामू काका के पास आ गए। रामू काका ने मुंह पर उंगली रखकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। तीनों मिलकर अंदर का दृश्य देखने लगे। कौन अंदर आया है? जवाब दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अचानक एक बहुत ही लंबे कद का भूत सफेद पोश भूत के सामने आ गया। तुम कौन हो? अपना चेहरा तो दिखाओ। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? तुम मेरा हुलिया देखकर भी नहीं पहचान पाए? मैं एक भूत हूँ। लंबे भूत ने अपना हाथ बढ़ाकर सफेद पोश भूत के गले में लगाया और उसे ऊपर उठा लिया। तुम भूत हो तो मैं क्या हूँ? लोगों को बेवकूफ बनाते हो, सफेद कपड़ा पहनकर भूत बन जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? जल्दी से बताओ, नहीं तो तुम्हारा यही क्रियाक्रम हो जाएगा। लंबे भूत ने पास में रखा हुआ डंडा उठाया और दो डंडा उसको लगाया। अरे मार डाला रे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस भूत से मुझे बचाओ। यहाँ तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। अचानक सफेद पोश भूत खंडर से बाहर की तरफ भागने लगा और उसके पीछे लंबा भूत भी दौड़ पड़ा। रामू काका, वो देखो, एक भूत दूसरे भूत का पीछा कर रहा है। यह तो कमाल हो गया, भूत ही भूत का दुश्मन बन गया। काका मुझे डर लग रहा है, दो दो भूत, अब तो भगवान ही हमें बचाए। लंबे भूत ने जल्द ही सफेद भूत को दबोच लिया और मारने लगा। अरे नहीं नहीं, मुझे मारना नहीं, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं तो एक छोटा चोर हूँ और अपनी चोरी का माल यहाँ छुपाता हूँ, यहाँ कोई ना आ पाए इसलिए भूत बनकर डराता हूँ। भूत जी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लंबे भूत ने सफेद पोश भूत का नकाब हटाया और इसके बाद अपना भी चेहरा दिखाया। नकली सफेद पोश भूत चौंक गया। बाहर खड़े हुए रामू काका, सुधीर और जमील भी हैरान रह गए। वह लंबा भूत भी एक इंसान ही था। मैं इंस्पेक्टर रणविजय सिंह हूँ, मुझे पहले भी कई शिकायतें मिली थी, एक नकली भूत को पकड़ने के लिए मुझे भी नकली भूत बनना पड़ा। कहते हैं ना, कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है।
इतने में खंडर के छिपे हुए उनके सिपाही भी आ गए। इंस्पेक्टर ने चोरी का सारा माल निकलवाया और नकली सफेद पोश भूत को गिरफ्तार करके सिपाहियों और नकली भूत के साथ थाने के लिए रवाना हो गया। इस तरह से एक नकली भूत का पर्दाफाश हुआ। सुधा और किरण दो बहनें थीं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थीं। उनको अगर बाजार जाना होता था तो साथ साथ जाती थीं। खाना दोनों साथ साथ खाती, यहाँ तक कि पढ़ाई भी दोनों साथ साथ करती थीं। उनके बाबूजी एक अच्छे पद पर आसीन थे। उनका पूजा पाठ में बहुत विश्वास था। यहाँ तक कि घर में किसी को छोटी मोटी बीमारी होती तो कभी दवा नहीं खाने देते, माथे पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ते और वाकई शाम होते होते बीमारी छू मंतर हो जाती। एक दिन की बात है, सुधा किरण दोनों रात के समय पढ़ाई कर रही थीं। तभी सुधा को किसी काम के लिए बाहर जाने का मन हुआ। उसने कहा, किरण चलो जरा बाहर चलते हैं, और दोनों दरवाजा खोलकर बाहर चली गईं। तभी सुधा ने देखा, उनके घर से थोड़ी दूर पर एक स्कूल था और स्कूल की छत बहुत दूर तक फैली हुई थी। सुधा ने देखा छत पर एक बहुत ही लंबा आदमी और एक छोटा आदमी दोनों ऑफिस की तरफ से चलकर आ रहे थे और पूरी छत पार करते ही अचानक गायब हो गए। दोनों बहनें देखकर पहले तो थोड़ा हैरान हुई कि इतनी ठंड में रात में कौन छत पर टहल रहा है, और जैसे ही वे पीछे मुड़ी वैसे ही 12 बजे का सायरन बजा। दोनों बहनें भागी और बिस्तर में घुस गईं। किरण छोटी थी, उसका तो डर के मारे बुरा हाल था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी रजाई में से मुंह निकाला और पूछा, दीदी वो लोग कौन थे? दीदी ने डांट दिया और कहा, सो जाओ। दोनों बहनें सुबह उठी तब उन्होंने अपने माँ बाप को सारी बातें बताई। किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। सुधा और किरण का मानना था कि निश्चित ही वे दोनों भूत थे। इसके बाद सुबह सुधा अपने कॉलेज चली गई और किरण अपने स्कूल में। वह उसी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ की छत पर उन्होंने वह दोनों आदमी देखे थे। किरण घर से थोड़ा जल्दी निकली और उसने वहाँ जाकर खोजबीन की। वहाँ के रहने वाले चौकीदार और उसकी पत्नी से पूछा कि तुम लोग रात में छत पर गए थे? वे दोनों हंसने लगे और बोले, बेटा इतनी रात में छत पर कौन जाएगा, इतनी ठंड में वो भी। किरण को और भी डर लगने लगा। तब उसने कहा कि मैंने और मेरी बहन ने रात में छत पर एक लंबा और एक छोटा भूत देखा था जो ऑफिस की तरफ से आए, और जहाँ छत खत्म होती थी वहाँ के बाद वह दिखाई नहीं पड़े। तब चौकीदार की पत्नी ने बताया कि यह स्कूल बनने से पहले यहाँ मजारे हुआ करती थी और बहुत से लोगों ने इन आत्माओं को वहाँ घूमते हुए देखा है, लेकिन वे किसी का नुकसान नहीं पहुँचाते। किरण डर गई। स्कूल की छुट्टी के बाद जब वह घर आई तब उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। जब सुधा कॉलेज से घर आई तब किरण ने सुधा को सारी बात बताई। अब दोनों बहनों ने यह निश्चय किया कि जैसे ही रात के 12 बजते तुरंत दरवाजा खोलकर देखेंगी कि क्या सचमुच में वे भूत रोज आते हैं। एक बार होली की तैयारियां चल रही थी, अचानक 12 का सायरन बजा। सुधा और किरण ने एक दूसरे की तरफ देखा और दरवाजा खोलकर बाहर भागी। दोनों एक साथ चिल्लाए, वो देखो लंबे छोटे दोनों भूत छत पर घूम रहे हैं। जब तक और लोग देखते तब तक तो ये जा और वो जा, भूत गायब। दोनों बहनें फिर मजाक का पात्र बन गईं। कुछ दिनों बाद किरण की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गईं। दोनों बहनें पढ़ रही थी, अचानक 12 का सायरन बजा। सुधा भागकर बाबूजी के पास गई और उन्हें नींद से झिंझोड़कर उठाया और बोला, बाबूजी जल्दी आइए। अब बाबूजी बरामदे में आए तब उन्होंने भी देखा कि दोनों लंबे और छोटे भूत स्कूल के ऑफिस वाली ओर से निकले और ऐसा लगा जैसे तैर रहे हैं। बाबूजी वहीं खड़े होकर आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगे। दोनों बहनें आश्चर्य से बाबूजी को देखने लगी। भूत तो गायब हो गए। उस दिन के बाद से सुधा और किरण ने कई बार 12 बजे भूतों को देखने की कोशिश की, परंतु बाबूजी ने क्या मंत्र फूका कि भूत कभी दिखाई ही नहीं दिए। सुधा और किरण को इसी बात की खुशी थी कि कम से कम उन्होंने बाबूजी को विश्वास दिला दिया कि वे दोनों झूठ नहीं बोलती थीं।